नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नो स्थित धामपुर की, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और कोविड को ध्यान में रखते हुए चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के उद्देश्य से धामपुर के थाना परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। SP पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान SP पूर्वी ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, आज थाना धामपुर प्रांगण में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में क्योंकि इस समय सभी पार्टीज के कैंडिडेट डिसाइड हो चुके हैं, नाम वापसी हो चुकी है, क्योंकि प्रचार अपने पूरे जोर शोर पर चल रहा है, तो सभी को इसलिए आमंत्रित किया गया था कि आग्रह किया जाए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भारतीय चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उनसे सभी को अवगत कराया गया है तथा सभी से ये अपेक्षा की गई है कि सभी जो भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका, इसी के साथ साथ वर्तमान में भारत सरकार के भी कुछ निर्देश कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हैं, जिनके बारे में समय समय पर नई गाइडलाइंस आती रहती हैं, उनके बारे में भी सभी को अवगत कराया गया है। और अगर किसी भी स्तर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा MCC का उल्लंघन किया गया अथवा अन्य जो महामारी की गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन किया गया, तो उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि उम्मीद है कि इस तरह का मौका नहीं देंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे, इसीलिए उन सभी को इस बारे में बताया गया। कोई नई गाइडलाइन पत्रकारों के लिए जो सोशल मीडिया में चल रहा है केवल एक ही मैंने पढ़ा है कि कुछ उनके शस्त्रों के बारे में है, बाकी जो पत्रकार बंधु हैं वो जिस तरह से अपना मीडिया कवरेज करते रहते हैं उस तरह से करते रहेंगे। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय अग्रवाल, कोतवाली थाना प्रभारी प्रमोद कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार पाठक सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।